अजमेर के माकूपुरा स्थित फैक्ट्री में पिकअप चालक की लापरवाही से महिला हादसे का शिकार हो गई। गंभीर रूप से घायल महिला को जेलन अस्पताल के बाद भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया, जहां महिला को उपचार जारी है। महिला के पति की ओर से आदर्श नगर थाने में शिकायत दी गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। महिला के साथ हुए हादसे की घटना फैक्ट्री में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर जाँच की जा रही है। टेम्पो स्टैंड माकूपुरा निवासी पीड़ित पति प्रेम सिंह रावत ने बताया कि उसकी पत्नी मोहिनी देवी माकूपुरा स्थित राजस्थान इंडस्ट्रियल कंपनी में खाना बनाने का कार्य करती है। उसकी पत्नी 25 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे ऑफिस के सामने चल रही थी। अचानक एक पिकअप गाड़ी के चालक ने गाड़ी को लापरवाही पूर्वक पीछे लिया। पिकअप के पीछे उसकी पत्नी चल रही थी। इसी दौरान पिकअप पीछे लेते समय उसकी पत्नी दुर्घटना का शिकार हो गई। पिकअप गाड़ी उसकी पत्नी की कमर और कूल्हे की हड्डी पर चढ़ गई। पीड़ित पति ने बताया कि इसके बावजूद भी चालक ने अपनी गाड़ी को नहीं रोका। उसकी पत्नी को फैक्ट्री वाले जेएलएन अस्पताल लेकर पहुंचे और भर्ती करवाया, जहां प्राथमिक उपचार देने के बाद उसे भीलवाड़ा रेफर कर दिया गया। दोपहर 2:44 की ये घटना है। राजस्थान इंडस्ट्री फैक्ट्री के अंदर परिसर के अंदर एक पिकअप गाड़ी माल लेने के लिए आई थी। MP 14G 1710 वो आगे खड़ी हुई थी। वो आगे से जाकर अचानक महिला उसे एक महिला है जो उसी इस फैक्ट्री के अंदर खाना बनाती है। उसका नाम है परिवादी का नाम है प्रेम सिंह रावत, नंद सिंह रावत, जाति रावत, 69 वर्ष निवासी टेम्पो स्टैंड माकूपुरा अजमेर का रहने, जिसकी पत्नी मोहिनी देवी है, उम्र 54 वर्ष, राजस्थान इंडस्ट्री माकूपुरा में ये ओसो राजस्थान इंडस्ट्री माकूपुरा में ऑफिस में खाना बनाने का काम करती है, जो दिनांक 25/1/24 को 2:44 पर ऑफिस के सामने बाहर निकली तो अचानक पीछे से पिकअप वाला पिकअप गाड़ी को खुद लापरवाही पूर्वक चलाकर चालक द्वारा परिवादी की पत्नी की दुर्घटना कारित हुई, जिससे पत्नी परिवादी की पत्नी की कमर व रीढ़ की हड्डी में और वे कूल्हे पर चोट आई है। उसके ऊपर मेरी पत्नी के ऊपर चढ़ने के बावजूद भी गाड़ी वाले ने गाड़ी को नहीं रोका और गाड़ी दुर्घटना का पूरा वीडियो कंपनी के सीसीटीवी फुटेज में वो सेव है। महिला का क्या नाम है? महिला का नाम है मोहिनी देवी, ये माकूपुरा की है, टेम्पो स्टैंड के पास रहती है। कार रेफर करा है? क्या रेफर करा था? इसको यहाँ से फैक्ट्री वाला जो मायने जा रहे हैं इलाज के लिए विक्टोरिया ले गए, विक्टोरिया से वहाँ सीधा इसको भीलवाड़ा के लिए इलाज के लिए रवाना कर। घटना भी सीसीटीवी फुटेज में है? हाँ, फुटेज में है, देख के बताएंगे। जांच आप कर रहे हैं? जांच 1544 प्रकाशन द्वारा की जा रही है।